सारे किसान भाई ने पहला तो सवेरे की राम राम। सोलर पंप का जिसने भी फार्म भरा था किसान भाई ने ईब, और पैसे भी जमा करा दिए थे, तो कंपनी सेलेक्ट होने लग रही है। लेकिन कंपनी में दोस्तों एक दिक्कत है, किसी की कंपनी पहले से अपने आप सिलेक्ट हो रही है, तो उसको क्या करना है उसकी भी आपको पूरी जानकारी देंगे, और जिसकी सिलेक्ट नहीं हो रही उसने कैसे तरह सिलेक्ट करनी है वह भी अपने पूरी जानकारी देवांगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो सारे में पहले आप चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और फिर वीडियो ने लाइक और ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो। तो अभी शुरू करा मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो ने, तो सबसे पहले आपने अपने फोन का जो है क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन आएगा सरल सर्च वाला, उसमें आपको सरल हरियाणा जो है वो सर्च कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे सर्च करके, सरल हरियाणा। फिर दोस्तों जैसे आप सरल हरियाणा सर्च करेंगे, ऊपर ऊपर जो साइट आएगी उस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है, अगर नहीं है तो आपको न्यू यूजर पर क्लिक कर देना है। यह आपकी डिटेल भरनी है, यहाँ से आप कैसे कर सकते हैं उसका मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं दोनों को, तो आप वहां से देख सकते हैं वीडियो को। तो अब आपको लॉगिन करना है, या लॉगिन के लिए आपको आईडी और पासवर्ड डालना होगा दोस्तों। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपको 6513 25 जो क्या होता है कैप्चा है ये डाल देना है, और सबमिट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन खुलकर आ जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपको अप्लाई फॉर सर्विस का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। व्यू ऑल अवेलेबल जो सर्विस है उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जितना ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपको जो सर्च का ऑप्शन दिख जाएगा, और सर्च वाले ऑप्शन पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ सर्च करना है दोस्तों सोलर, जी हाँ दोस्तों सोलर आपको सर्च कर लेना है। जैसे आप सोलर सर्च करेंगे तो आपको देख सकते हैं दोस्तों नंबर 5 पर वेंडर सिलेक्शन फॉर सोलर वाटर पंपिंग स्कीम रिन्यूएबल एनर्जी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने फॉर्मा डिक्लेरेशन कम फिर्म सिलेक्शन फॉर्म, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे दोस्तों इसको आपको भरना कैसे हो बता देता हूँ एक बार। पुरानी आपकी जो सरल आईडी आपको जो फॉर्म पर मिल जाएगी, आवेदक का जो नाम है वो भर देना है, पिता का नाम भर देना है दोस्तों, यहाँ पर गांव कौन सा है, तहसील जिला, सोलर पंप की क्षमता जिसका 3 HP थी, 4 HP 5 HP वो आपको यहाँ भरनी है, या DC है या AC उनमें सिर्फ एक अक्षर लिखना है। सरफेस या मोनोब्लॉक को आप यहाँ भरना है, नॉर्मल कंट्रोलर या यूनिवर्सल वो आपको यहाँ भरना है, कंपनी कौन सी आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो आपको यहाँ भरनी है, और अपलोड और यहाँ आपको साइन करने हैं, नाम लिखना, दिनांक और मोबाइल नंबर डालना है, और दोस्तों इसको आपको PDF बना लेना है 300 KB से नीचे का। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आपको प्रोसीड टू अप्लाई का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन दिखेंगे, आपको यहाँ आइए फैमिली आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फैमिली आईडी का नंबर डालना है। फैमिली आईडी का नंबर डालने के बाद क्लिक है टू फैच फैमिली डाटा पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने मेंबर सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा दोस्तों, वहां से आपको मेंबर सिलेक्ट कर लेना है। मेंबर आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने इंट्रो OTP का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आपको दोस्तों OTP डालना है, और क्लिक है टू वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक है टू वेरीफाई वाले OTP वाले पर क्लिक करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, आपकी सारी डिटेल फुल करा जाएंगे, पर्सनल डिटेल जैसे फैमिली आईडी, मेंबर आईडी, ईमेल, एप्लीकेंट नेम, और भी बहुत सी डिटेल आपकी जैसे दोस्तों मोबाइल नंबर, इनकम, IFSC कोड, ये आपकी सारी डिटेल खुल कर आ जाएंगी। फिर आपको यहाँ अपनी फैमिली आईडी डालनी है और क्लिक है टू फैच डिटेल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इतना करने के बाद आपके सामने ये वाली डिटेल आ जाएंगी, सरल आईडी, आपके एप्लीकेशन की सारी डिटेल ऑटोमेटिक भरकर आ जाएंगी दोस्तों, जो आपने पहले फॉर्म में भरी थी वो वाली, अगर किसी बाइक ना पर रखे तो अपने आप अब भर लेना। फिर दोस्तों इसके बाद आपके सामने ये वाला सिलेक्ट आएगा, सिलेक्ट फ्रॉम वेंडर सिलेक्शन नॉर्मल 3 HP DC सरफेस नॉर्मल, और सिलेक्ट वेंडर नेम चॉइस। जैसे आप प्लीज सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाले कंपनी आ जाएंगे दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह डायनेमिक इंक जो इथोस, जिके, माले, KVC, ओसवाल, PCI वायर्स लिमिटेड, प्रोटोमैग मोटर, शक्ति पंप, यानी आपके पास जो भी कंपनी होंगी सारी आ जाएंगी दोस्तों। फिर आपको उनमें से एक कंपनी वहां सिलेक्ट कर लेनी है, और फिर आपको दोस्तों एक कैप्चा डाल देना है, और प्रीव्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। तो प्रीव्यू के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी सारी डिटेल एक बार खुलकर आ जाएंगी, अब उन्हें चेक करना है आपको अच्छे से, और फिर अटैच एनेक्सर का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है।
कोई गलती है तो एडिट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। अटैच एनेक्सर पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा चूज फाइल। आपको यहाँ जो पीडीएफ डिक्लेरेशन फॉर्म का जो पीडीएफ आपने बनाया था वो आपको यहाँ अपलोड कर देना है और सेव एनेक्सर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव एनेक्सर के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने फिर आपकी जो डिटेल एक बार खुलकर आ जाएंगी। उन्हें आपको एक बार फिर अच्छे से चेक कर लेना और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो निकल कर आ जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आपका जो है फॉर्म कंप्लीट हो गया है। लेकिन इसके बाद दोस्तों कुछ भाइयों की ये बड़ी दिक्कत आ रही है। भाई जी नमस्कार, मैं संदीप रतिया फतियाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने 10 HP के सोलर के लिए अपनी ID बनाकर अप्लाई किया था। मैंने कहीं भी ना तो कोई OTP शेयर किया, ना ही किसी को बताया, ना ही कुछ करने को कहा, लेकिन मेरा वेंडर डिसलेक्ट आ रहा है। प्लीज बताए किसी की कंप्लेंट कैसे और कहाँ करूँ, कोई पता नहीं चला, प्लीज गाइड मी। और दूसरा भाई इसके भी यही दिक्कत है, कुछ लोगों की सोलर कंपनी अपने आप सिलेक्ट हो रही है। तो भाई जिसकी भी अपने आप सिलेक्ट हो रही है ना, तो उनको ये पता चल पा रहा है, जिसमें एक तो ये सरकारी टीचर है, एक सोनार है, जिसकी भी ये दोस्तों अपने आप सिलेक्ट हो रही है। मैं आपको 1 मिनट रुक जाओ, इस भाई की भी यही दिक्कत है, अपने आप सिलेक्ट हो गई, मुझे पता भी नहीं कौन सी कंपनी सिलेक्ट है। तो दोस्तों इसी का अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आई है क्यों सिलेक्ट हो रही है। हाँ लेकिन दोस्तों मैं आपको एक स्टेटस दे रहा हूं, अगर आपका वो वाला दिखा रहा फिर कुछ बता सकते हैं। अगर किसी का ये वाला स्टेटस दिखा रहा है तो मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज करें भाई, 8667 72 512, या फिर जिसकी पहले से कंपनी सिलेक्ट है वो भी एक बार मेरे पास जरूर मैसेज कर ले। आपको समाधान बताने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अभी तक मेरे को समाधान पता नहीं चल पाया, मैंने भेज रखा है क्या दिक्कत है इसकी। जैसे ही मैसेज आता आपका समाधान बता दिया जाएगा और मैं वीडियो भी बना दूंगा दोस्तों आपके लिए स्पेशल, कैसा क्यों हो रहा है आपकी पहले से अपने आप कंपनी सिलेक्ट है, कहाँ से ये दिक्कत हो रही है, आप किस कंपनी अपने आप सिलेक्ट कैसे हो सकती है दोस्तों अगर आपने सिलेक्ट नहीं की। तो दोस्तों कुछ भी पूछना कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।